एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने 1899 में एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस, जिसमें वो कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनकी इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए अगर हम जर्नलाइज करें और बच्चों पे भी उसको यूज़ करें तो हम बच्चों की जो इंटेलिजेंस है उसको बढ़ा सकते हैं, जिससे रिलेटेड ये बेसिकली जो थॉर्नडाइक है वो बिहेवियरिस्ट थे, तो उन्होंने अर्ली एसोसिएशन के जो थियोरिस्ट थे उन पर इनका सारे फेरिस्ट इनका नाम आता है। इन्होंने लर्निंग के कुछ लॉज दिए थे जिसमें द लॉ ऑफ रेडीनेस, द लॉ ऑफ एक्सरसाइज और द लॉ ऑफ इफेक्ट। थॉर्नडाइक के मुताबिक जो लर्निंग है वो सीरीज ऑफ स्टिमुलस और रेस्पॉन्स है। कोई चीज़ आपके पास होगी तो आपका रेस्पॉन्स आएगा, अगर आप रिवॉर्ड देते हैं तो आपको जो है वो उससे अचीवमेंट आती है, अगर आपने किसी भी चीज़ को नेगेटिव चीज़ नेगेटिव रिवॉर्ड दिया या नेगेटिव कोई कमेंट पास किया तो उसका जो इफेक्ट है वो नेगेटिव आएगा। फिर जो इनका ट्रायल एंड एरर में ये अगर आप थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट देखें, उसमें उन्होंने एक कैट को एक बॉक्स में डाल दिया है जिस वो बॉक्स बिल्कुल क्लोज्ड है और उसमें एक बीच में उन्होंने लीवर लगा दिया है। अगर कैट स्ट्रेट अवे लीवर को नीचे खींचते है दरवाज़ा खुलता है तो बाहर जो उसका सी फूड कैट फूड रखा हुआ है वो उसको कैट अपने फिश जो है वो उसको खा सकती है, लेकिन जैसा कि उसको नहीं पता कि दरवाज़ा खोल किस तरह से खुलेगा तो कैट उस दरवाज़े को खोलने के लिए अपने फूड को हासिल करने के लिए काफ़ी सारे अटैम्प्स करती है, तो इसमें ट्राई करती है फिर एरर आता है, अगेन ट्राई करती है फिर एरर आता है। तो ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी है जिसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू एक टाइम आता है कि वो लीवर उसका जो है वो पुश पुल डाउन हो जाता है और दरवाज़ा खुल के उसका जो फूड है वो हासिल कर लेती है, लेकिन उससे पहले वो कभी उसका पैर टच करता है कभी हाथ और उसको समझ नहीं आती कि वो ये चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक आप बच्चे को या किसी भी इंसान को जब वो ट्राई करेगा तो एरर्स होंगे, लेकिन उन एरर के बाद डेफिनेटली रिजल्ट्स जो है वो ये होंगे कि वो उनका जो बिहेवियर है उससे वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। अकॉर्डिंग टू जो इनके जो थॉर्नडाइक के जो तीन लॉज हैं जिसमें लॉ ऑफ रेडीनेस है, इसके मुताबिक ये है कि आप कोई भी चीज़ तभी अकर हो सकती है, आप जो न्यूरोलॉजिकल रेडीनेस है ये उनकी बात नहीं करते, ये बात करते हैं आपके इंटरेस्ट की। अगर बच्चा इंटरेस्टेड होगा तो ही वो पढ़ेगा, अगर टीचर इंटरेस्टेड होगा तो ही वो पढ़ाएगी। टीचर की अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो वो कितनी भी अच्छी टीचर हो वो नहीं पढ़ा नहीं पाएगी। तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि टीचिंग के लिए लर्निंग के लिए ज़रूरी यह है कि बच्चे की विलिंगनेस हो, बच्चे की रेडीनेस हो, जब तक आप उसकी रेडीनेस नहीं करेंगे, आप उसको रेडी नहीं करते, बच्चा नहीं पढ़ेगा। अब रेडीनेस के लिए बहुत सारे सेवरल आप उसके अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे को आप पहले जो है वो कोई स्टोरी सुनाए ताकि वो उस फॉर्म में आ जाए, ताकि उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चन करें कि प्रीवियसली आपने जो क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए थे उसमें क्या क्या आंसर्स आए थे, क्या उनके जो आंसर्स गलत थे, इस तरह की ये स्टोरी बनाएं। स्टोरी बनाने के बाद आप उनके साथ गेम खेल सकते हैं, गेम पजल गेम हो, उसके बाद आप उनको कहें कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती चले आ जाए अब हम कुछ सीखते हैं, अगर इस तरह से करेंगे तो ही वो बच्चा सीख सकेगा। दूसरा जो लॉ है वो द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक लॉ ऑफ एक्सरसाइज इस तरह से है कि जो एक्सरसाइज है वो अकॉर्डिंग टू द टारगेट हो। अब ऐसा नहीं होगा कि बच्चे को आपने कहा कि आप पढ़ें या जो है वो कम अक्सर सुनने में आता है कि बच्चे तो सारी रात पढ़ते हैं कंप्यूटर में, हो कंप्यूटर खुला होता है लेकिन जो है वो और बहुत पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आता। इन अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक आप देखें कि वो कर क्या रहे हैं, वो वाकई पढ़ रहे हैं या कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। बुक खोली हुई है तो क्या मोबाइल साथ है, बुक खोली हुई है तो उनका जहन कुछ कहीं और है। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक कहते हैं कि अगर आप जो भी काम करवाते हैं जो भी काम करते हैं उसका जो पॉजिटिव फीडबैक या रिवॉर्ड है वो आपकी एक्सरसाइज में काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक तो आपकी एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द टारगेट हो कि जो काम आप कर रहे हैं उसी से रेलेवेंट एक्सरसाइज हो, फिर आप उससे रिलेटेड जब कोई रिस्पॉन्स देते हैं
रिवॉर्ड देते हैं तब भी उस चीज़ में एक्सरसाइज जो है वो पॉजिटिव होती है। थर्ड लॉ जो दिया है द लॉ ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट किसी भी चीज़ का अगर पॉजिटिव चीज़ होगी तो पॉजिटिव इफेक्ट होगा, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव। बच्चे को आप प्रेस करेंगे, आप रिवॉर्ड देंगे तो उसकी लर्निंग ज़्यादा इंक्रीज होगी। टीचर्स जब बच्चे को बेस्ट स्टूडेंट इन द ईयर कह देते हैं या बेस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास कह देते हैं तो वो बच्चा और ज़्यादा कोशिश करता है कि अब मुझे, मैं ऑलरेडी बेस्ट हूँ तो मुझे आगे आगे बेस्ट होना है। जिस बच्चे को आप सप्रेस करते जाएं कि तुम में कुछ नहीं आता, तुम कुछ कर ही नहीं सकते या तुम्हारे पास इतनी एबिलिटीज़ नहीं है, इसको देखो इस तरह से करते हैं, इस तरह के जो रिमार्क्स पास करते हैं आप, जो कमेंट्स देते हैं, तो उनसे बच्चे इतना ज़्यादा सीखते नहीं हैं, तो वो चीज़ जो नेगेटिव है वो और ज़्यादा नेगेटिविटी में लेके जाते हैं। थॉर्नडाइक कहते हैं कि आप किसी भी बच्चे को कॉर्पोरल पनिशमेंट ना दें, कि अगर आपने उसको जो है वो पनिशमेंट देनी है इलेक्ट्रिक शॉक लेकर आ गए कि नहीं तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें इस तरह से करना पड़ेगा, या आप उसको कुछ डिफरेंट टाइप की जो है वो रिवॉर्ड्स दें कि कैंडी दे दें या कुछ, इसके बजाय आप बच्चे को जो अच्छा काम करता है उसको कहें कि वेल डन या राइट राइट यू हैव डन वेरी गुड वर्क और दिस इज़ राइट, और जो गलत करता है उसको कह देंगे कि ये गलत है, ये आपने गलत किया। तो इस तरह की जो आप प्रेज करते हैं, जो रिवॉर्ड देते हैं जो बच्चे को, तो वो उसकी जो है लर्निंग को स्ट्रेंथन करती है, वो किसी ना किसी चीज़ के साथ अपनी लर्निंग को एसोसिएट कर देता है कि जब मैं सीखता हूँ तो मेरी टीचर खुश होती हैं, जब मैं अच्छा काम करके जाता हूँ तो मेरी मदर खुश होती हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें, जो बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें आप जब उनको प्रोवाइड करते हैं तो उनकी लर्निंग में मैक्सिमम जो है वो इंक्रीज होती है। सो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर जो लर्निंग है उसके मुताबिक आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे आप एरर नहीं करेंगे, और जब आप एरर करेंगे तो आप उस एरर से सीखते हैं। तो अगेन आप अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए आप ट्राई करते रहें ताकि आपके एरर्स होते रहें, और एरर्स होंगे तो फिर आपका बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई होगा, आप उन चीज़ों को दोबारा से उस तरह से गलतियाँ नहीं करेंगे और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सीखते जाएंगे।